और अब खबरें विस्तार से। नोटबंदी के लगभग 45 दिन बाद भी स्थिति सामान्य न होने से खफा संयुक्त वाम मोर्चा द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। विगत 8 नवंबर से 500 व 1000 के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था, जिससे देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 50 दिनों का समय मांगा गया था, परंतु 45 दिनों बाद भी स्थिति सामान्य न होने से आम जनता हैरान व परेशान है। ऐसा कहना है संयुक्त वामपंथी पार्टियों का। अपनी मांगों के साथ एक ज्ञापन उपायुक्त द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा। लोग आज यहाँ प्रदर्शन पूरे वामपंथी पार्टी कर रहे हैं और एक स्मार पत्र हम लोग दे रहे हैं राष्ट्रपति के नाम से, जो कि उपायुक्त के द्वारा, जिसमें हमारा मांग है कि नोटबंदी का 50 दिन होने वाला है लेकिन जनता में कोई खास सुधार हुआ नहीं है, इसीलिए ये 4-5 मांग के साथ दिए हैं कि काला धन विदेश से वापस लाओ, पर्याप्त करेंसी बैंकों में उपलब्ध कराओ, एटीएम में उपलब्ध कराओ, और जो इस दौरान मारे गए हैं इस नोटबंदी में उसको पर्याप्त मुआवजा दो। पूरा देश को काला धन निकालने के लिए जो घोषणा के साथ हुई है वो जो है बिल्कुल फॉल्स निकला। विदेश से काला धन वापस लाना, 15 लाख हर एक अकाउंट में जमा करना उनका टारगेट था, उनकी घोषणा थी, वादा था, उसको पूरा नहीं करके देश में जो है वो काला धन निकालने का ड्रामा कर रहे हैं और पूरे देश को, जिसका कि काला धन से कोई संबंध नहीं है, सबसे बड़ी बड़ी लाइनों में वही। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याण नगर के रहने वाले वीर सिंह भुइयां को अज्ञात अपराधियों ने पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। हत्या के कारण पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलने पर कांग्रेस नेता दुलाल भुइयां और पुलिस पूरे दलबल के साथ पहुंची और मामले को शांत करवाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वो माने जघन्य हत्या जैसा हुआ है ना, कल बड़ा दिन था ना, पार्टी उटी दिया था होगा घर में, बुला उला करके आ उसको मार दिया। ठीक है, अब तो एक आदमी पकड़ाया है, क्या नाम, क्या नंदलाल दास, उसके साथ में उन्हीं के घर के सामने घटना घटा है। मैंने बड़ा दिन को खिला पिला करके इसको मारने का यही हमको लग रहा है कि खिलाया पिलाया और मार दिया। किसी पत्थर वगैरह से कुछ हत्या करना है, इसमें हम लोग छानबीन कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग जो दोषी है उसको गिरफ्तार करेंगे। किसी की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी नहीं, अभी जो जिनके घर के सामने हुआ है उनको पूछताछ के लिए हम लोग ले जा रहे हैं। और गुप्त सूचना के आधार पर बिष्टुपुर थाना प्रभारी द्वारा छापामारी की गई, जिसमें बिष्टुपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शहर में आए दिन बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी, जो जिला पुलिस के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शहर में छापामारी की और एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी के 4 बाइक बरामद किए गए। बीते एक सप्ताह में बिष्टुपुर बाजार से 5 बाइक की चोरी हुई थी। सीसीआर डीएसपी सुधीर कुमार ने मीडिया को बताया। बिष्टुपुर में, बिष्टुपुर थाना अंतर्गत चूना बाबा मजार रोड में पिछले एकाध सप्ताह से 4-5 बाइक की चोरी एक ही स्थान पर से हो गई थी, जिसमें थाना प्रभारी बिष्टुपुर के द्वारा गुप्त रूप से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर उनकी टीम बनाकर एक मिस्त्री को, जिसका नाम की मुनू उर्फ शोएब, को गिरफ्तार किया गया और जिससे साइंटिफिकली और गहन पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया तथा साथ ही 4 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। चारों मोटरसाइकिल का पार्ट्स वो खोल खोल कर और अलग अलग स्थानों पर बेचता था। नगर विकास आवास एवं परिवहन मंत्री सीपी सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। नगर विकास व परिवहन मंत्री सीपी सिंह सर्किट हाउस में न्यूज टाइम्स की टीम से विशेष बातचीत कर रहे थे और कहा, देखिए बहुत सी बातें हैं जिसमें सच्चाई नहीं होती है, वही बातें हो जाती है। अभी 86 बस्तियों का जो मामला,
दौर से चल रहा है। मेरा यह मानना है कि इसका पटाक्षेप होना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए गंभीर है, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। अब ऐसा है कि बहुत से नियम कानून प्रावधान सबों का अध्ययन करने के बाद ही करना पड़ता है, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि इसका निदान होगा, मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं। देवघर 500 शहरों में 19वां स्थान आया, रांची है, जमशेदपुर है, ये सब प्रमुख शहर हैं हमारे, तो सस्ता में इनका स्थान है। उस दिशा में हमारा विभाग, हमारे ऊपर से लेकर के नीचे तक के पदाधिकारी कर्मचारी सब इस काम में लगे हैं, लेकिन सिर्फ हमारे पदाधिकारी और कर्मचारियों के लगने से नहीं होता है। हमें अपने स्वभाव को बदलना होगा, प्रवृत्ति को बदलना होगा, क्योंकि सबके सहभागिता से ही उस रैंकिंग को हम प्राप्त कर पाएंगे। और हमने, हमारे विभाग ने एक निर्णय लिया है, जो नगर निकाय क्षेत्र जिसमें नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, वो स्वच्छता में पहला स्थान प्राप्त करेगा तो उसको हम लोग 2 करोड़ रुपए की राशि उस नगर निकाय से देंगे। फिर सेकेंड में 1 करोड़ है, फिर जो थर्ड करेगा उसको 50 लाख है। वैसे आप देखेंगे तो जमशेदपुर मांगो चुनाव नहीं हुआ है, अभी ऐसे ही चल रहा है, लेकिन हम लोग इसको नगर निगम का ही इक्विवेलेंट मानकर मार्केट होगी, इसमें नगर निगम के लिए जो मापदंड तय किए गए हैं उस मापदंड के अंतर्गत वैधानिक रूप से आप देखेंगे तो अभी तो नगर निगम नहीं है, मांगो भी नहीं है, लेकिन हम उसका जैसे रांची नगर निगम है, देवघर नगर निगम है, धनबाद नगर निगम है, जो नगर निगम है हम उसी का इक्विवेलेंट मान के चल रहे हैं, यानी इसको भी हम नगर निगम मान करके ही सारी जो प्रावधान है उसको करेंगे। राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचू अपने जमशेदपुर स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए रघुवर सरकार पर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचू अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सांसद प्रदीप बालमुचू ने आदित्यपुर थाना क्षेत्र में हुई घटना को निंदनीय बताया तथा रघुवर सरकार पर जमकर बरसे। घटना घटी कल ही, एक तो जो आदित्यपुर गमरिया में जो घटना घटी है, जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोगों ने न प्रशासन को समझा न पुलिस को समझा, और उसके बावजूद भी अब तक कोई भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं, जरूर है किराया तो दर्ज हो है वो साइट में आ गया है, मगर अब इतना दबाव है रांची से कि इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो ये कहें कि इस सरकार पूरा गुंडा गर्दी की सरकार हो गई है और वो किसी को नहीं समझ रहा, पुलिस को नहीं समझ रहा है, अब सीओ को नहीं समझ रहा, तो बाकी समझेंगे बाकी आम जनता का क्या होगा। अल्लाह की को ढूंढा पीटे कि भाई हम लोग बड़ी पारदर्शिता चला रहे हैं, यहाँ तो लॉ ऑर्डर इतना खराब है। अब ये भी क्या क्या घटनाएं घटी रांची में, क्या क्या घटनाएं घटी, कितने लोग मरे, ये बता रहा है कि लॉ ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, जो एक तरह से गुंडा राज है जिसको छोड़ दिया गया। जो दूसरी चीज जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे कि 2 साल पहले, अब 2 साल और 2 दिन के बाद में 28 तारीख को हो जाएगा मुख्यमंत्री बने थे, ये 2 साल उसका पूरा हो जाएगा, और उन्होंने आने के बाद सबसे पहले जैसे मुख्यमंत्री बने तो 2 तारीख हमको याद है, वो जुको मैदान में बस्ती समिति के द्वारा उसका भव्य कम किया गया है, पेपर करी मेरे पास में, हाँ जुको मैदान में, उसमें उन्होंने कहा था कि 86 बस्तियों को हम मालिकाना हक देंगे। अब 2 साल हो रहे हैं, बड़े साफ साफ लिखा है कि बहुत जल्दी हम मालिकाना हक आपको देंगे, सब पेपर में। और अब ये कल इसके मंत्री आते हैं, अब नया एक बात शुरू किया, अलग अलग तरह से 2 साल ये अंतराल हो गया, अब कहते हैं कुछ इंडस्ट्रियल टाउन करें।
कमांड एरिया हम बनाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउन बनाएंगे, फिर एक एरिया जो नगर पालिका का रहेगा। तो अभी तक सरकार साफ नहीं है, अब उनका राज है, उनके मुख्यमंत्री यहाँ पर, तो उनको बड़ी साफ होकर बताना चाहिए कि ये चीज हम करने जा रहे हैं, ताकि बस्ती जो आपका कमिटमेंट, हमारा कमिटमेंट नहीं कर, हमने नहीं कहा। और ये जो इशू है, आज जो लगातार बात कर रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया होगा कि नोटिफाइड एरिया होगा, जो अब उसने नहीं, हम वो नहीं कर रहे कि हमको इंडस्ट्रियल टाउन में रखो कि हमको मालिकाना हक चाहिए। अब हमको टाटा एरिया में रखोगे कि नगर पालिका एरिया में रखोगे, तुम समझो। मेरा एरिया तो, मेरा इशू तो 86 बस्ती का, हमको मालिकाना हक की बात है। अब कहने का कहने मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है, कुछ ना कुछ नया नया सुबुगा छोड़ रहा है। और मैंने बड़ी साफ कहा कि इसकी मंशा कुछ, इन्होंने कहा कि पूरे देश राज्य में हम मालिकाना हक, उन्होंने कहा इसमें देखिए मतलब इस मुद्दा को उलझा के रखना चाहता है ताकि अब मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, तो अब तो इसको निर्णय लेना पड़ेगा ना। अब घूम रहे भी अब सिंगापुर चले गए, ठीक है वो जाने में कुछ है, मगर जब जा रहे हैं तो क्या ला रहे हैं इसको भी बताना पड़ेगा। जाने की बात तो आप करते हैं, क्या लाया, क्या एनजीओ साइन किए, ये तो बताना चाहिए कि आज तुरंत नहीं हुआ, मगर कितने लोग न्योता मिला ये तो बताना चाहिए आपको। इसको व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, व्हाइट पेपर जारी करिए भाई, ये इंडस्ट्री जो आ रहे हैं यहाँ पर क्या दिक्कत है।